मैं आज आया हूँ मस्कान चौरंगी डोसा वाला साकिब भाई। भाई भरकम से जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, मेरा भाई खड़ा हुआ है। मुझे ये कहीं से व्लॉगर लग तो नहीं रहे, फिर भी मैंने साथ खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आज आया हूँ मस्कान चौरंगी, और मस्कान चौरंगी पे मेरा वास्ता रहता है मेरा। यहाँ पर है डोसा वाला साकिब भाई, जो कि बड़े भाई की हैसियत मैं उनको दर्जा देता हूँ, और बहुत अच्छा जहन से मेरा ताल्लुक रहा है। तो उनसे मिलूँगा, आपको दिखाऊँगा डोसा कैसे बनता है। और मुझे पता चला है कि यहाँ पर इन्होंने सेटिंग का भी अरेंजमेंट कर लिया है, प्लस ये कि अब अफसरदगी के साथ ये कहा जाएगा कि साकिब भाई ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं वो हम इनसे जानेंगे, और क्या नया स्टार्ट किया है, क्या पुराना सेटअप है, वो सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। तो चलिए जी, आपको इनसे मिलवाते हैं, सारी डिटेल लेते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। ये भाई साहब हैं जो के इस एरिया को देख रहे हैं, जो के मस्कन पे मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे जो है जानेंगे कि यहाँ पर अब क्या नया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? करम है मालिक। आपका नाम? सरवर हुसैन। सरवर भाई, ये बताइए क्या नया है, क्योंकि मैं आपका फेसबुक फॉलो करता हूँ, लिखा हुआ था अपडेटेड, इसका क्या मतलब है? देखे बात ये, जब बिजनेस एक्सपेंड करना होता है ना, तो बंदे तो लेने ही। बिल्कुल सच है ना। अब साकिब भाई के साथ थोड़ी सी तबीयत का इशू भी रहता है, मगर उनकी हिम्मत बहुत है माशाल्लाह। तो अब वो नई जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं होऊंगा, अली होगा, उनका बेटा वीकेंड पे आएगा, मगर टेस्ट किचन वही होगा, चाहे पूरे कराची में हमारे 10 कहते हैं जी, आज जब चेंज होता है तो टेस्ट तो चेंज होता ही होता है। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये अली लगा रहा है या मुस्तफा लगाए या लगाए, आप टेस्ट देख लीजिए, क्योंकि किचन सेक है, किचन फॉर्मूला असल में मायने रखता है, क्योंकि लोग दादा परदादा के भी जमाने से चलते आते हैं, मगर फॉर्मूला की बात होती है। एग्जैक्टली, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या नया सेटअप किया है, ये जरा बताएं आप। नया सेटअप हमारा ये है कि एक तो सिंधी मुस्लिम पे हमारा सेकंड कार्ड खुल गया। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने देखा था फेसबुक पे अपडेट, ये था कि इडली डोसा, इडली डोसा नहीं, इडली इडली कहते तो हैं लोग, इडली के साथ डोसा लगा देते हैं। एक मिनट, इडली क्या चीज है, दिखाता हूँ जी। ये आपको दिखाएंगे, ये इडली है, ठीक है, ये एक्चुअली एक इसमें होता क्या है, कीमत कीमा है क्या है? कुछ नहीं है, ये सिंपल जो है, जैसे बैटर से ये बना है ना, इसी बैटर को स्टीम में हम बनाते हैं। अच्छा, मतलब फ्राई नहीं है, स्टीम में, स्टीम में होता है, और इसके साथ वो सांबर और कोकोनट चटनी, ठीक है, वो जो डोसा में इस्तेमाल होती है। अब कुछ लोग जो है इसको लगा के उससे खा लेते हैं, वरना बेसिकली ये खाया जाता है कि इसको तोड़ के भिगो दे सांबर में और चमचे से टेस्ट किया। अच्छा, सांबर है क्या चीज, क्योंकि देखिए बेसिकली हम लोग इंडियन तो है नहीं, सही, और ये प्योरली साउथ इंडियन डिश है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम सालन रोटी तो समझ में आ जाती है, ये डोसा इडली और दूसरा पता नहीं क्या, और जो आप नाम ले रहे थे अभी सांबर, सांबर ये जो है वो बोला भी नहीं जाता, तो समझेंगे क्या? देखिए, सांबर एक्चुअली अरहर की दाल का पेस्ट, और उसमें 5 से 6 सब्जियां, और ये इमली के पानी में पकता है। ठीक है, अभी सर्दियां नहीं है, आपको पता है सर्दियों में सब्जी आती है ना, गर्मी में अभी इसके अंदर जैसे एक चीज काम है, साजने की फली, वो जिस तरह से जब उसमें बॉईल होती है ना,
और जब ये थोड़ा सा नीम गरम हो इवन अब उसको अगर चावल के साथ भी डाल के खाओगे तो बहुत टेस्टी। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं एक भारी भरकम से आइटम से, इनको मैं आइटम इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो ये इनकी मोहब्बत है जो कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी किया, आज तक गाइड कर रहे हैं और माशाल्लाह से वीडियोस देखते भी हैं और आगे तक शेयर भी करते हैं। मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले, हालांकि मैं करीब ही रहता हूँ मगर फिर भी कराची में जो है बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना, तो मैं कोशिश करता हूँ जब मुझे टाइम मिले मैं इनसे जो है सलाम दुआ करने आया हूँ। आज ये इत्तेफाक है कि मिल रहा है क्योंकि मुझे पता चला था कि ये यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मैं मिल लूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साकिब भाई? ठीक ठाक हैं, दुआओं में याद रखा है ना। अच्छा ये बताइए कि जी कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? बस आप लोगों की मोहब्बतें और दुआएं चाहिए, थोड़ी सी कोशिश की है, एक साल हो गया इस जगह खड़े हुए। हमारा और आपका साथ एक ही साथ शुरू हुआ था। इस जगह पे हमने ये एक छोटा सा कार्ड बनाया है साइकिल पे और इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे, और हम मोटरसाइकिल कार्ड लेके सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं। सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला पहली तारीख से। आपको लोकेशन मिल जाएगा, अगर तो इनके पास जाके खाना है, वहाँ के रिहायशी हैं आप सिंधी मुस्लिम तारिक रोड या उसके अतराफ में, डिफेंस क्लिफ्टन हो गया या फिर महमूदाबाद हो गया या फिर गुरु मंदिर हो गया, गार्डन हो गया, आप आइए इनके पास, लोकेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, जाके मिलिए। ये समझ लें कि ये वाला जो है मैं स्टाइल लेना चाह रहा हूँ कि ये अब हाथ चूमना तो थोड़ा सा वो हो जाता है शिर्क, मैं इसीलिए कहूँगा कि इनके हाथ का खाया हुआ डोसा जिसने खाया ना यूं करके जाएगा इनको, ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बस तो आप लोगों की मोहब्बत है ये। साकिब भाई नंबर तो मैं दे दूंगा, मुझे मालूम भी है नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये बताइए कि वहाँ पर जैसे यहाँ पर एक नई आपने डिश मुतारिफ कराई है, वहाँ क्या मुतारिफ कराने के मूड में? एग्जैक्टली मैं साउथ इंडियन फूड को ही प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पे। बेसिकली क्लिफ्टन डिफेंस हुआ, आपका PCHS ब्लॉक 6 हुआ, कोरंगी के लोग हैं, तो मेरे पास यहाँ इंतहा मिकदार में कस्टमर आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे करीब आए। बिल्कुल। तो सेकंड स्पॉट के लिए हमने जगह चूज की है सिंधी मुस्लिम, क्या नाम है, हैदर्स वाला जो राउंड अबाउट है। बिल्कुल। गुलिस्तान स्कूल की जो दीवार है वहाँ कहीं पे हम प्लेसमेंट करेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह, और पहली तारीख से हम इंशाल्लाह हम ऑपरेटिव हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। और लोगों के लिए एक सरप्राइज और है, मस्कन चौरंगी की जो ब्रांच है इंशाल्लाह पहली तारीख से यहाँ पे आपको पाव भाजी भी मिला करेगा। अरे क्या बात है यार, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है, तो आपको एडवांस में ही बता दिया, आ जाए 1 अक्टूबर को आपको पाव भाजी खानी है तो यहाँ आ जाए और इनका व्लॉग हम वहाँ जाके करेंगे। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच। अब आपको दिखाते हैं कि जी इनके आइटम्स क्या क्या हैं, आइए। अच्छा जी ये अभी जो है वो तवा धोते हैं, ये हमेशा की तरह हर डोसे के बाद ये तवा धोया जाता है, साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। ये देखिए जी इस तरीके से ये वॉश किया जाता है। ये साफ कर रहे हैं हम, ये देखिए ये हर बार ऐसे ही इसको साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है ताकि टेस्ट जो है ना डेवलप रहे, टेस्ट में चेंजिंग ना आए क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग टेस्ट की होती है। और ये डोसा लगाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से लगाया जाता है। ये
ये थोड़ा सा नीचे से सीखेगा, उसके बाद फिर इसमें जो है वो ऑर्डर के मुताबिक जो है वो इसमें डाला जाता है कि जी चिकन या फिर आलू या बीफ वट एवर जो कस्टमर खाना चाहें वो इसमें डाला जाता है। ये सब ऑयल डाला जा रहा है, ये देखें और ये आलू आलू का जो है वो डोसा बना रहे हैं ये भाई। ये हरा धनिया, तो ये जी अब फोल्ड करने का जो है मरहला स्टार्ट हो गया है या फोल्ड हो रहा है देखिए, और ये बीच में से होता है कट, ये क्रॉस कट किया है इन्होंने ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो रहे। ये इसी तरीके से दिया जाता है, मैं आपको करीब से दिखाऊं जी। इसके अंदर फिलिंग कितनी अच्छी आती है, सर्व होने के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें डोसा आ गया और ये क्या चीज़ है, ग्रीन चिली सॉस, और ये क्या डाला है, नारियल की चटनी है जी, और इसमें आएगा ये है सांभर, ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है वो इसका कलर है, ये देखिए बेहतरीन किस्म का जो है वो डोसा तैयार। और टेस्ट वगैरह तो आपको जिसने नहीं खाया वो आके खाइए, और जिसने खाया है तो वो इसको जानता है कि कैसा टेस्ट है। अच्छा जी आपने डोसा देख लिया किस तरह बनता है, और जाते जाते मैं साकिब भाई का शुक्रिया भी अदा करूंगा, और साकिब भाई की जो है वो मोहब्बत का भी शुक्रिया अदा करूंगा। साकिब भाई दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आपके नए पॉइंट को इसी तरीके से तरक्की दे और कामयाबी दे, और हमारे लिए इसी तरीके से आप और ब्रांचेस खोलें और व्लॉग करें पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर। दुआ तो यही है कि पाकिस्तान के बाहर। आपको याद है कि मैंने जब ये स्पॉट खोला था तो ज़ाहिर है मैं भी नया नया स्पॉट खोला था, तो आपको मैंने एक स्टार्ट में बूस्ट दिया था, मुझे वो बूस्ट आपको ये दिया था कि कराची में एक नया डोसा, बिल्कुल ऐसा ही है, याद आ गया, कंग फू डोसा, सॉरी नहीं 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 वो डोसा था रंगोली डोसा, हमने उसकी वीडियो बनाई है आपको, कराची में पहली दफा मीठा डोसा जो है ना इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम दूसरा सेटअप खोलने जा रहे हैं, तो आज मैंने फिर आपको एक बूस्ट दिया है, अगर याद हो तो। जब भी हम आते हैं ना कुछ नया, वो नया बूस्ट ये है, मैं बात को अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि पहली तारीख से मेरी पूरी कोशिश है, पहली तारीख नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह गुलशन मस्कन ब्रांच से पाव भाजी भी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो जी ट्राई कीजिए, डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल है, साउथ इंडियन डिश पाकिस्तान में बहुत ही कोई अच्छा अगर बनाता है ना, पाकिस्तान का है मैंने कराची नहीं का, बहुत कोई अच्छा बनाता है तो वो साकिब भाई है। और आपने जो है वो अगर ट्राई नहीं किया तो यहाँ आइए, लोकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, फर्स्ट अक्टूबर के बाद जो है वो आपको कौन सी सिंधी मुस्लिम पे आपको जो है वो वहाँ पर भी मिल जाएगा, पूरा यही सेटअप है जो वहाँ होगा, बस वहाँ पर आप साकिब भाई खुद हैंडल करेंगे, और यहाँ पर जो है वो हमने भाई से इंटरव्यू लिया था वो यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।